हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? और पढ़ाई कैसी चल रही है ये बताओ पहले। हैं सर, आज तो 26 तारीख हो गई, अब तो बहुत नज़दीक आ गए हैं, है ना? बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गई। और कंटेंट जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे भूल रहे हैं, जितना पढ़ रहे हैं उतना ही लग रहा है भूल रहे हैं। और जिस बच्चे को ये लग रहा है कि भूल रहे हैं, तो ये मान लो वो बच्चा बहुत अच्छी तैयारी में है, वो बच्चा बहुत अच्छी तैयारी में है। तो आज का जो सेशन रहेगा अपना, उस सेशन में अपने एक छोटी सी शुरुआत कर रखी है, आप सबका सहयोग मिला और हमें भी बड़ी उम्मीद मिली कि चलो अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आते हैं। और इन्हीं प्रश्नों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज अपन शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप बताओ कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, यानी कि अपना राजस्थान जो है उस राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, कितनों में बांटा? देखो, 4 में, 7 में, 9 में या 3 में। हमने कहा 4 में, 7 में, 9 में या 3 में, बताओ बच्चों। तो इसका राइट आंसर जो होगा, और राइट आंसर जो है आपका वो होगा 4। कितने भौतिक प्रदेश हैं? 4। चलो मैं बताता हूं आपको, मैं आपको बताता हूं भौतिक प्रदेश। और भौतिक प्रदेश जो है राजस्थान के, ज्यादा डीपली नहीं बताऊंगा, सीधा सीधा बता देता हूं, इनको अपन 4 भागों में बांटते हैं, है ना? कौन कौन से, चलो देखते हैं। एक हम कहते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, क्या कहते हैं अपन? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा अपन कहते हैं, सेकंड नंबर पे अपना आता है अरावली, क्या आता है? अरावली, अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा जो है अपना, उसको अपन कहते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। और इसको अपन कहते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब समझो, यहाँ से आपसे एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को अपन एक नाम और से भी जानते हैं, जिसे अपन कहते हैं हाड़ोती का पठार। क्या कहते हैं? हाड़ोती का पठार। अब समझो, ये जो अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आपको बताना है 61.11%। और जनसंख्या की अगर आपसे बात की जाए, जनसंख्या की, तो आपको बताना है सर यहाँ 40% जनसंख्या निवास करती है। कितनी करती है? 40। अब देखो, अरावली की अगर क्षेत्रफल की आपसे बात की जाए, क्षेत्रफल, तो आप कहोगे सर 9.3% क्षेत्र है। और जनसंख्या की अगर बात की जाए, तो आप कहोगे सर 10% जनसंख्या निवास करती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश के अगर क्षेत्रफल की आपसे पूछा जाए, तो आप कहोगे सर ये जो है 23.6% भाग पर फैला है, जबकि यहाँ जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या कितनी निवास करती है? तो आप कहोगे सर 39%। और पठारी जो प्रदेश है, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 6.47%। और जनसंख्या जो है वो कितनी है? 11% जनसंख्या निवास। तो यहां से इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। एक बात और समझ लेना, यहाँ आपको मृदाएं भी मैं साथ में बता देता हूँ। यहाँ जो पाई जाती है वो मृदा पाई जाती है बलुई मृदा, बलुई जिसको अपन कहते हैं रेतीली, रेतीली बलुई मृदा, रेतीली बलुई मृदा। पर्वतीय भागों में पाई जाती है लाल मृदा, कौन सी है? लाल मृदा। यहां अपने पाई जाएगी कौन सी? पूर्वी मैदानी प्रदेश में जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। और फिर हम कहते हैं हाड़ोती के पठार में जो मृदा पाई जाती है वो कौन सी है? काली मृदा, कौन सी है? काली मृदा। अब समझो, ये जो रेतीली बलुई मृदा है, इसको अपन कहते हैं
एंटीसोल, क्या कहते हैं एंटीसोल। ये जो लाल मर्दा है इसका नाम अपन लेते हैं, इसको अपन कहते हैं इंसेप्टिसोल। क्या कहते हैं भाई इसको? इसको अपन कहेंगे, इसको अपन कहेंगे, ये जो लाल मर्दा है इसको कहते हैं इंसेप्टिसोल। और ये जो मर्दा है जलोढ़ मर्दा, इसको करते हैं एल्फी। क्या कहते हैं? एल्फिसोल। और इसको अपन कहते हैं वर्टिसोल। क्या कहते हैं? वर्टिसोल। तो अच्छे से आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से ब्रीफिंग में देखो। एग्जाम के नजदीक ये ही होता है कि चार भौतिक प्रदेश हैं, क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी है और मर्दा कौन कौन सी है, ठीक है ना। तो आराम से इन प्रश्नों को आप सोल्व कर सकते हो। कोई भी कहीं से भी कुछ भी प्रश्न पूछे आप बता देना आराम से, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो अपन देखते हैं। अपना जो अगला प्रश्न है वो क्या लिखा है? राजस्थान का नवीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है? नवीनतम, सबसे नवीन भौतिक प्रदेश, जो नवीन भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है? तो इसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से भी बताया था बेटा कि सबसे नवीन भौतिक प्रदेश जो है ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, जिसे अपन थार का मरुस्थल कहते हैं। थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। और यहां से अगर एक प्रश्न और देखें कि नवीनतम की जगह अपन कहें सबसे प्राचीनतम, प्राचीनतम, प्राचीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है? भौतिक प्रदेश, तो आप मुझे बताओ प्राचीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा होगा बेटा जी? तो ये होगा अपना अरावली। कौन सा होगा? अरावली पर्वतीय प्रदेश। कौन सा होगा? अरावली पर्वतीय प्रदेश। और ये जो अपना अरावली पर्वतीय प्रदेश है, इसमें जो अरावली पर्वतमाला है ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। वलित जो पर्वतमालाएं हैं उनमें से अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। तो सबसे प्राचीन कौन सा हो गया? अपना अरावली। और सबसे नवीन कौन सा हो गया? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा हुआ? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में कितने जिले, राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं? देखो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ बच्चे चार और पांच ऑप्शन को देखकर कंफ्यूज होंगे। तो राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं? अब ये आपको वहां देखना पड़ेगा कि अगर राजस्थान के पूछ रहा है तो वो बनाते हैं चार। क्या बनाएंगे? चार। लेकिन अगर वो यहाँ शब्द जोड़ दे, एक शब्द यहां जोड़ दे कि वर्तमान राजस्थान के, वर्तमान राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ, तो आप बताओगे पांच। अब देखो यहां मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि कैसे कैसे है। तो ये जो यहां से अपनी सीमा लगती है ऐसे, यहां शुरू होता है हिंदू मलकोट, हिंदू मलकोट। और ये हिंदू मलकोट कहां है? श्री गंगा नगर। हिंदू मलकोट कहां है? श्री गंगानगर। और ये है शाहगढ़, शाहगढ़। दूसरा है बाखा सर और भलगांव, भलगांव। और ये कहां है आपका? ये है बाड़मेर। कहां है? बाड़मेर। तो पहली बात है कि आपसे पूछा जाए कि जो हमारी पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है वो प्रारंभ हिंदू मलकोट से होती है, समाप्त कहाँ होती है? सागर, बाखासर या भलगांव, ठीक है। अब देखो इसका नाम आपसे पूछा जाए तो आप बताना रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। अगर इसकी आपसे लंबाई पूछी जाए तो आप बताना 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर। अब देखो यहां से जो प्रश्न पूछेगा, सबसे पहले यहां जिला है श्री गंगा नगर, श्री गंगा नगर। सेकेंड जो अपना जिला है वो है बीकानेर। कौन सा है? बीकानेर। थर्ड जो अपना जिला है वो अपना है, यहां बनाता है जैसलमेर, जैसलमेर। और फोर्थ जो अपना जिला है, फोर्थ जो अपना जिला है वो कौन सा है? वो जिला अपना बनाता है यहाँ बाड़मेर। कौन सा बनाता है? बाड़मेर। अब समझो यहां से आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कितनी कितनी सीमा बनाता है।
यानी कि दूरी भी पूछी जा सकती है। जैसलमेर बनाता है 464 किलोमीटर, कितनी बनाता है 464। बीकानेर बनाता है 168 और श्रीगंगानगर 210 किलोमीटर और आपका बाड़मेर जो है वो 228 किलोमीटर। अब देखो यहां से जो और प्रश्न पूछेगा वो क्या पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है आपसे कि इनमें से जैसलमेर जो है वो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जबकि बीकानेर जो है वो सबसे छोटी। तो सबसे लंबी कौन बनाता है? जैसलमेर। और सबसे छोटी कौन बनाता है? बीकानेर। लेकिन हुआ ये कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी ने यहाँ एक नया जिला बना दिया यहाँ, और इस जिले का नाम दे दिया क्या? अनूपगढ़। क्या नाम दिया है? अनूपगढ़। जबकि अभी तक इसका सीमांकन नहीं हुआ है तो अपन नहीं बता सकते कि अनूपगढ़ कितनी सीमा बना रहा है। तो ये याद रखना केवल कि एक जिला यहाँ नया बना है जिसका नाम है अनूपगढ़, और इसका नाम लिख लो आप नवगठित जिला। क्या लिखोगे? नवगठित जिला। तो यहाँ से जो प्रश्न आएगा वो इससे बाहर नहीं जाएगा भाई। हिंदुमल कोर्ट से प्रारंभ होता है, सागर बाखासर तक जाता है, जैसलमेर बीकानेर श्रीगंगानगर बाड़मेर। अब यहाँ से अगर आपसे आरोही क्रम पूछा जाता है या अवरोही क्रम पूछा जाता है, आप आराम से सब कुछ बता सकते हो, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। ओके बेटा, अगर कोई बच्चा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आराम से ले सकता है, ठीक है। अब आ जाऊं इसके बाद, देखो अपन शुरुआत करते हैं कि देखो अगला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है। वो अपना है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला दो राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाता है। देखो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ा तो यहाँ से क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो दो राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा है, वो आपका होगा भरतपुर। ये जो भरतपुर है ये पहले किसके साथ बनाता था? एक था हरियाणा, कौन था? हरियाणा, और दूसरा कौन था? उत्तर प्रदेश। लेकिन अब क्या हो गया, अब सब जिला नया बना दिया भरतपुर से अलग करके डीग, तो ये डीग बनाने लग गया। तो अब देखो अपने एक एक को देख लेते हैं यहाँ कि हनुमानगढ़ जो है ना अपना हनुमानगढ़, और ये हनुमानगढ़ किसके साथ सीमा बनाएगा? तो ये दो राज्यों के साथ बनाता है, एक अपना है पंजाब, कौन है? पंजाब, और दूसरा अपना कौन है? हरियाणा। दूसरा अपना कौन है? हरियाणा। फिर अगर बात करते हैं अपन, एक है डीग जो बनाता है वो किसके साथ बनाता है? वो बनाता है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। फिर अपना है धौलपुर, कौन है? धौलपुर। और धौलपुर जो है वो किसके साथ सीमा बनाता है? वो एक तरफ बनाता है उत्तर प्रदेश और एक तरफ है मध्य प्रदेश। फिर अगर बात करते हैं बांसवाड़ा की, किसकी? बांसवाड़ा की। तो ये जो बांसवाड़ा जो है ये एक तरफ सीमा बनाता है किसके साथ? गुजरात के साथ, और एक तरफ सीमा बनाता है मध्य प्रदेश के साथ। किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। तो आराम से आप यहां से कंफ्यूज मत होना, हनुमानगढ़, डीग, बांसवाड़ा और धौलपुर, वर्तमान में डीग है, कौन है? डीग है। पहले कौन था यहाँ? भरतपुर। पहले कौन था? भरतपुर, इस बात का ध्यान रखना। ओके, दूसरी बात, यहां से जो प्रश्न है अंतर्राज्यीय सीमा से, तो सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है 1600, सबसे कम बनाने वाला है पंजाब जो 89 किलोमीटर बनाता है, और राजस्थान का जिला सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है झालावाड़। कौन सा बनाता है? झालावाड़, इस बात का। और सबसे छोटी जो अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान का बनाता है वो बनाता है कौन सा अपना, बताओ भाई कौन सा है? कमेंट करके मुझे आप बताओ कि सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा कौन सा जिला बनाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है भाई? पूर्वी मैदानी प्रदेश है,
याद रखना सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है, क्योंकि सर्वाधिक जनघनत्व वाले जो जिले हैं वो कौन सा है, जयपुर। जयपुर का सर्वाधिक जनघनत्व है 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कौन है? 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या, जनसंख्या अगर पूछी जाती है तो इसमें 40% जनसंख्या निवास करती है, और सर्वाधिक जनघनत्व अगर पूछा जाए तो पूर्वी मैदान, और सर्वाधिक जनसंख्या पूछी जाए तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कांठल का मैदान विस्तृत है, कांठल का मैदान विस्तृत है, बताओ भाई कहाँ विस्तृत है कांठल का मैदान। तो देखो, डूंगरपुर में है, प्रतापगढ़ में है, बांसवाड़ा में है, या प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा में है। तो ये क्या होगा, प्रतापगढ़ लिखना भाई, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा प्रतापगढ़। अब मैंने आपको बताया था ये जो है अपना दक्षिणी राजस्थान है जिसमें हम बात करते हैं, ये डूंगरपुर है। क्या है? डूंगरपुर। यहाँ हम बात करते हैं बांस, ये अपना प्रतापगढ़ है। कौन है? प्रतापगढ़। फिर हम बात करते हैं, ये अपना कौन है? बांसवाड़ा। कौन है? बांसवाड़ा। अब समझो, यहां से एक नदी बहती है, यहां से बहते हुए, जिसको अपन कहते हैं माही नदी। क्या कहते हैं? माही नदी। और माही नदी ऐसी नदी है जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण में ही बाहर निकलती है। दूसरी बात यह है कि यहाँ अगर अपन देखेंगे तो यहाँ प्रतापगढ़ में इसके किनारे यहाँ जो मैदान विस्तृत है, इसको अपन कहते हैं कांठल का मैदान। क्या कहते हैं? कांठल का मैदान, कांठल का मैदान कहते हैं। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ 56 नदी नालों का समूह है जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में फैला हुआ है, और यहाँ डूंगरपुर और बांसवाड़ा में यहाँ जो मैदान है इसको अपन कहते हैं वागड़। क्या कहते हैं? वागड़ प्रदेश। तो याद रखना, अगर माही नदी बेसिन से प्रश्न आएंगे तो इन्हीं से आएंगे कि कांठल प्रदेश 56 का मैदान कौन सा है? 56 का मैदान। और तीसरा जो अपना वो कौन सा है? वो अपना वागड़ प्रदेश है। तो इसको ध्यान रखना, वागड़ प्रदेश का विस्तार डूंगरपुर बांसवाड़ा में है, 56 मैदान का जो है प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में है, कांठल केवल और केवल किसमें है? किसमें है? प्रतापगढ़ में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रतापगढ़ होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी बताओ भाई। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, 1722 मीटर। और ये मैंने क्रम से लिखा है, गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, सेकंड नंबर पे आएगी शेर, फिर आएगा अपना दिलवाड़ा, और फिर आएगी अपनी जरगा। तो याद रखना आप आराम से इसको याद रखना कि गुरु शिखर, दिलवाड़ा, शेर, ये आपकी सिरोही में है। कहाँ है? सिरोही में। जबकि अगर जरगा की बात करते हैं तो ये कहाँ है? उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अपना अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है? वो कहता है कि सिरोही में पाई जाने वाली तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है कि सिरोही में जो तीव्र ढाल की जो पहाड़ियां पाई जाती हैं, उन पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो उनको क्या कहा जाता है बताओ? उनको कहा जाता है बेटा भाकर। क्या कहा जाता है? भाकर। अब जो शब्द आए हैं आपके सामने वो बता देता हूँ। गिरवा क्या है? उदयपुर के आसपास, उदयपुर के आसपास, आसपास। तस्तरी नुमा, या जिसको अपन कह सकते हैं अर्ध चंद्राकार पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? गिरवा। अब देशहरो क्या है? तो ये उदयपुर में पर्वत श्रृंखलाएं हैं छोटी छोटी, जरगा व रागा। जरगा व रागा पहाड़ियों के मध्य वर्ष भर हरा भरा जो क्षेत्र रहता है उसको क्या कहते हैं? देशहरो। और मगरा क्या है? उदयपुर के आसपास कटी फटी
अवशिष्ट पहाड़ियां, अवशिष्ट पहाड़ियां क्या कहलाती हैं? मगरा कहलाती हैं। तो इनको आप अच्छे से देखना कि उदयपुर के आसपास की जो कटी फटी पहाड़ियां उनको अपन क्या कहते हैं? मगरा कहते हैं। तो ये आराम से आप देखो, गिरवा है, देश है, रो बाकर है, मगरा है, अच्छे से समझना इनको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो देखो बेटा, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार। कहां है? सिरोही में। और ये कितना ऊंचा है? ये है 1362 मीटर ऊंचा। कितना है? 1362 मीटर। आबू का जो पठार है ये भी कहां है? सिरोही में। कहां है? सिरोही में। और ये है 1295 मीटर ऊंचा। लेकिन याद रखना, ये दूसरा सबसे ऊंचा है, दूसरा सबसे ऊंचा, दूसरा सबसे ऊंचा जो पठार है वो कौन सा है? आपका आबू का पठार। अगला जो देखो, भोराट का जो पठार है ये देखो गोगुंदा, गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक विस्तृत है, से कुंभलगढ़, गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक विस्तृत है। और लास्ट है लसाड़िया का पठार, या लासड़िया का जो पठार है ये देखो, जयसमंद जो झील है ना, जयसमंद झील के पूर्वी किनारे पर है, झील के पूर्वी किनारे पर स्थित, किनारे पर स्थित है जयसमंद झील के पूर्वी किनारे पर कौन स्थित है? लसाड़िया का पठार स्थित है। ओके, कोई डाउट है यहाँ आपको? देखो ये पठार याद कर लेना भाई, उड़िया का पठार, आबू का पठार, भोराट का पठार और लसाड़िया का पठार। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के मध्य कौन सा पठार स्थित है? बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अभी अभी बताया। देखो बेटा कि भोराट जो है ये कहां से है? गोगुंदा, गोगुंदा से कुंभलगढ़। कहां है? गोगुंदा से कुंभलगढ़। फिर अपना मानदेसरा का जो पठार है ये चित्तौड़गढ़ में है बेटा। कहां है? चित्तौड़गढ़ में। और मानदेसरा के साथ एक पठार और याद रखना, मेसा का पठार, मेसा का पठार। मेसा और मानदेसरा दोनों कहां है? आपके चित्तौड़गढ़ में। जहां मै से शुरू हो दोनों कहां? चित्तौड़गढ़ में। और काकनवाड़ी का जो पठार है ये कहां है? अलवर में। कहां है? अलवर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरमाल का पठार। क्या होगा? उपरमाल का पठार। आराम से समझ पाओगे इन चीजों को आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, ये कंप्लीट हो गया भाई, है ना। तो आज की प्रश्नोत्तरी को अपन यहीं विराम देते हैं, अगली प्रश्नोत्तरी अपन कल लेके आएंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कैसे लग रहे हैं आपको ये प्रश्न, और अगर आपको बहुत अच्छे से आपका रिवाइज हो रहा है तो इसको खूब दबा के शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिसे हमें और हिम्मत मिले, है ना दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली स्लाइड में, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।